3, 2, 1, 0। आज भारत का पहला सोलार मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। 11:50 पर यह सूरज के पथ पर चल पड़ा। PSLV रॉकेट इसे सबसे पहले पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकालेगा। इसके बाद सैटेलाइट पर लगे बूस्टर फायर इसे लैंग्रेज एक्सिस तक पहुंचाएंगे। लॉन्चिंग से पहले यूपी में हवन पूजन शुरू हो गया था। सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना करते हुए अयोध्या और वाराणसी में यज्ञ हुए। वहीं आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लाइव BHU के छात्रों ने देखा। बता दें, लॉन्चिंग की सफलता में BHU के वैज्ञानिकों की सहभागिता थी। सफल लॉन्चिंग के साथ ही छात्रों में खुशी की लहर नजर आई। साथ ही अभियान से जुड़े BHU के वैज्ञानिक अभिषेक श्रीवास्तव ने NBT से बातचीत की। मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, मैं एक सोलर फिजिसिस्ट हूँ जो IIT BHU में कार्यरत हूँ, और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आदित्य L1 मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। सभी देशवासियों, सभी बुद्धिजीवियों, साइंटिस्टों और इसरो को हार्दिक बधाई। और यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पे लगभग 4 महीने में पहुँचेगा, जो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो सन पे होने वाले विविध प्रक्रियाओं की, प्लाज्मा प्रक्रियाओं की, सोलर फ्लेयर्स की, कोरोनल मास इजेक्शंस की और स्पेस वेदर प्रभावों की अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। कितने दिनों ये पहुंच जाएगा? और हमने ऑलरेडी बताया कि यह लगभग 4 महीने लगेंगे वहाँ पहुँचने में। लगभग आप इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो आपका इसमें क्या? मैं एक सौर विज्ञानी हूँ और मेरा कार्य भारत में सौर विज्ञान, सूरज की स्टडी करना है। मैं आदित्य के सूट इंस्ट्रूमेंट जो टेलीस्कोप है उसके साइंस मैनेजमेंट पैनल का मेंबर हूँ। वहाँ पे हम लोग आने वाले डेटा का अध्ययन करेंगे, उससे होने वाले जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सन के क्रोमोस्फीयर में और कोरोना में, उसकी स्टडी करेंगे। सर, इस पॉइंट पे आप अगर बात की जाए तो कौन से देश पहुँच पाए हैं जहाँ पे ये जा रहा है? यह दूसरा हम दूसरे देश है। इसके पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोहो मिशन को 1995 में लॉन्च किया था, जो सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए लैग्रेंज 1 पॉइंट पे पहुंचा था। तो हम अध्ययन करेगा ये वहाँ पर क्या कुछ उपलब्ध कराया? यह सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शंस की स्टडी करेगा, कोरोनल हीटिंग की स्टडी करेगा, स्पेस वेदर के प्रभावों की स्टडी करेगा, और सोलर विंड और उसके जो आयंस हैं, जो प्लाज्मा है, उसके भौतिक प्रक्रियाओं और उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेगा। कितने पॉइंट होते हैं के लिए जो यहां से लेकर के बीच में इसको स्थापित किया जा सकता है? देखिए, 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, लेकिन हम L1 पे जा रहे हैं। L1 सूर्य और अर्थ के लाइन पे है, जोड़ने वाली लाइन पे है, और यह हम अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएंगे, ठीक है? और वहाँ पे जाके एक हेलो ऑर्बिट है जहाँ पे आदित्य L1 जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, और वहाँ से कंटिन्यूस मतलब लगातार सूरज का ऑब्जर्वेशन करेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है, और यह अद्वितीय मिशन है, बहुत ही यूनिक है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स यूनिक हैं, और डेफिनेटली नए खोज और नए भौतिक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन होगा।